भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल के मरीजों को मास्क, सैनिटाइजर, फल एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है, जिसमें युवा वर्ग के लोग इस बीमारी के ज्यादा चपेट में आ रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने लोगों के बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने की वस्तुओं का जिला अस्पताल में वितरण किया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि जरूरतमंदों की मदद करें तथा इस कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए भूखे प्यासे लोगों को जरूर खाने पीने की वस्तु उपलब्ध कराएं तथा ज्यादा से ज्यादा घर में समय बिताएं और जरूरत हो तभी बाहर निकले तथा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। इस अवसर पर मकसूदन तिवारी, तौकीर आलम, राजेश यादव, प्रवीण पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, मुंह और नाक दोनों टोपी लगाइए भाई, ये शर्म की बात नहीं है। टोपी नहीं लगाओगे तो देख रही हूँ ना, कोई लाश को छूने वाला नहीं है। दूरी बना के रहिए आप लोग, ये वो पैकेट दीजिए, ले लीजिए। अरे सिपाही लोगों को, हम लोगों को टोपी लगा के रखना है, मास्क पहन के रहना है। जनता जी को भी टोपी दीजिए, जनता जी को टोपी दीजिए। हाँ सैनिटाइजर हो गया। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है यार, और कांग्रेस पार्टी आपके लिए एक कुछ फल है, कुछ सैनिटाइजर है आपको दिया जा रहा है, और हम कामना कर रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि में हम लोग संचार के क्रांति, इनको हम कोटि कोटि नमन करते हुए आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उनकी श्रद्धांजलि मनाते हुए हॉस्पिटलों में, कोविड वार्डों में जो भी तीरंदार हैं उनको ये फल वितरण किए हैं, और सभी जगह ये कामना किए हैं कि जो एडमिट हैं, जो भर्ती हैं, जो भी इससे पीड़ित हैं वो जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो के अपने घर जाए, ये हम लोग की आज की कामना है।